अलवर में सोमवार को दूध मिष्ठान भंडार पर फायरिंग के मामले में बदमाशों का सुराग लगने के बाद पुलिस ने इनका पीछा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हमले के बीच भूरा सिद्ध इलाके में से पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में ले लिया, लेकिन अभी इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जाँच की जा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, क्या कुछ, क्योंकि पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में ले लिया है, क्या कुछ निकल के सामने आया है, क्या अपडेट है? बताना चाहूंगा कि ये दूध मिष्ठान भंडार पर फायरिंग की घटना कर 50 लाख की फिरौती मांगने की वारदात हुई थी अलवर में। इस घटना के बाद से ही पुलिस सतर्कता बढ़ते हुए थी और कई टीम पुलिस द्वारा बनाई गई थी। आज पुलिस को दोपहर सूचना मिली कि हरियाणा नंबर की गाड़ी में कुछ बदमाश अलवर में घूम रहे हैं, तो पुलिस ने इसके बाद बदमाशों का पीछा किया। तो भूरा सिद्ध एक आश्रम है, धार्मिक जगह है, जहां पर बदमाश वो गाड़ी हरियाणा नंबर की भगा रहे थे। पुलिस ने उनके पीछा किया तो उन पुलिस पर भी उन्होंने हमला करने का प्रयास किया। पुलिस ने इस दौरान कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया है, क्योंकि पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। अभी इस मामले में खुलासा नहीं किया है कि वो फिरौती वाले बदमाश है या अन्य कोई वारदात करने आए थे बदमाश। फिलहाल पुलिस इस मामले में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना है कि इस घटना के बाद भूरा सिद्ध आश्रम क्षेत्र है उसमें अफरा तफरी का माहौल मच गया और इस घटनाक्रम के दौरान एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। धन्यवाद चंद्रशेखर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस की हिरासत में आ गए हैं बदमाश और पुलिस जांच में जुट चुकी है। अलवर में दूध मिष्ठान भंडार पे हुई ये घटना, जिसके बाद पुलिस की मुठभेड़ भी हुई इन अपराधियों से और उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फिलहाल अभी इस मामले की जांच में जुटी है पुलिस।